जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है। इतना ही नहीं, बुढ़ापा पेंशन बीपीएल कार्ड सहित कई योजनाओं के लिए अब आवेदन की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसी सभी योजनाओं को सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के साथ जोड़ दिया है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कई लाभार्थियों को चंडीगढ़ में सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। इनमें से बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए लोन हासिल करने वाले लाभार्थी तथा कश्मीरी पंडित भी शामिल थे। हरियाणा निवास में प्रदेश स्तर का आयोजन हुआ है। वहीं जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट व राज्य मंत्री तथा सभी जिलों के डीसी कार्यक्रम से जुड़े हैं। जिले में भी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के चेक व प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा है, प्रदेश में पहली बार सत्ता में आते ही हमने वृद्धावस्था परिवर्तन का नारा लगा दिया है, अब इसके नतीजे आएंगे। दोस्तों हरियाणा से जुड़े रहे आप सभी लोग एडी न्यूज से। एडी न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों को हरियाणा की एक से बढ़ के एक लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, तो कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।